नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज देखिए साथी, हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, जो लास्ट ईयर जीके का पेपर 1 मई 2017 को हुआ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। 100 क्वेश्चन है। और देखिएगा, अभी जो 26 अप्रैल को पेपर हुआ था जीके का, जीके के दो पेपर हुए थे सेकेंड ग्रेड में, 26 अप्रैल वाले का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज 1 मई वाले के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें यह आइडिया होगा कि हमें किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो सही दिशा में तैयारी करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आधी जीत तो हमारी वहीं हो जाती है। और अभी सेकंड ग्रेड के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। पहले जिस तरह की सूचनाएं अब आ रही है कि पहले सेकंड ग्रेड आने की संभावना है, उसके बाद में आएगी फर्स्ट ग्रेड। तो सिस्टमेटिक ढंग से हम तैयारी शुरू करेंगे इसके बाद में। आइए देखते हैं। देखिए पैटर्न आपका जो पेपर है जीके का, उसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, नेगेटिव मार्किंग भी है। इन 100 क्वेश्चनों में जो 40 क्वेश्चन है वो राजस्थान के जीके से संबंधित हैं, 10 क्वेश्चन राजस्थान की समसामयिकी, राजस्थान का करंट, ये 50 क्वेश्चन हो गए। इसके अतिरिक्त 30 क्वेश्चन आएंगे इंडिया और वर्ल्ड, इनकी ज्योग्राफी, इनका संविधान, इनसे संबंधित। और 20 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर है ए, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बाकी जो तीनों हैं वो हैं इसमें, और ये घोराउट ये नहीं है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख सोर्स क्या है? रंगाई छपाई, गवार गम, इंजीनियरिंग उद्योग और हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण है वो रंगाई छपाई की वजह से होता है। देखिए मैं जो आंसर आपको बता रहा हूँ, ये आरपीएससी की जो फाइनल आंसर की है उसको ध्यान में रखते हुए बताए जा रहे हैं। बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है, किसके बीच में है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। इसका राइट आंसर है थर्ड, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है क्या? मावठ। यह राजस्थान की ज्योग्राफी वाले पोर्शन से है। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती? प्रतापगढ़, बाड़मेर, जालौर और डूंगरपुर। यानी आपको मैप है वो पता होना चाहिए, आपके रूम के अंदर राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का ज्योग्राफिकल मैप होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, जो प्रतापगढ़ है ये नहीं, इसके अतिरिक्त बाड़मेर, जालौर और डूंगरपुर, इन तीनों की जो बॉर्डर है वो टकराती है किससे? गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? इसका राइट आंसर है 40 सेंटीमीटर। भारत के मरुस्थलीकरण और भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है कितना? 67%। राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित हैं? तो इसमें देखिएगा, कोटा, स्वाई, माधोपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, कोटा, स्वाई, माधोपुर, धौलपुर, जो चंबल नदी बहती है उधर से। बीहड़ क्या होते हैं? देखिए जो चंबल जो बहती है तो उसके बहाव के कारण जो भूमि का कटाव होता जाता है साइडों में, और कटाव होते होते इस तरह से बीहड़ टाइप वो चीज़ें बन जाती है कि वहाँ आराम से आदमी रह सकता है। तो डाकू वगैरह है उनके लिए छिपने की सबसे बेस्ट जगह होती है वो। यहां से सामने वाले को देख सकता है, लेकिन सामने वाले को यहां छिपे हुए लोग दिखाई नहीं देते। निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? गलत कौन सा है इसमें? बनास की नदी है सहायक, ये नहीं है, ये इसकी सहायक नदी नहीं है, बाकी तीनों सही है। उसके बाद है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है चंबल राजस्थान की
एकमात्र नियतवाही नदी है। नियतवाही मतलब नित्यवाही, हमेशा बहती है 12 महीना। और कारण क्या है? चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। अब देखिए क्या इसका राइट आंसर सही है। इसका सही आंसर होगा तीसरा, ए सही है और आर गलत है। पहला तो सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है, केवल सिंचाई में नहीं बाकी जगह भी प्रयोग होता है इसका। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, फलोदी पोकरण। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो कौन सा है? इसका 14 आंसर का होगा सेकंड, नागौर। देखिए जब अरावली वगैरह मैं पढ़ा रहा था आपको, राजस्थान का एक वीडियो बनाया था उसमें, उस टाइम ये जिक्र किया था इस चीज़ का कि नागौर में जो फ्लोराइड है वो पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है जिससे लोगों की जो कमर है वो झुक जाती है। तो क्षेत्र का जो एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया है उसका नाम निकाल दिया बांका पट्टी, तो नागौर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? एक गलत है और बाकी तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, ये गलत है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। इसके अलावा बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं वो पूरी तरह से सही हैं। बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुजर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर इसका क्या है? सुलेमान, सेकंड होगा, सुलेमान ने वर्णन किया है। अर्णो राज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया और वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। कौन से कथन सत्य हैं? ये चार आपके सामने हैं, ये इनके कूट बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है वो होगा फोर्थ, यानी 1, 3, 4 जो हैं वो इसमें बिल्कुल सही हैं। 1, 3, 4 कौन से हैं? ये और ये सेकंड ऑप्शन है, ये गलत है, बाकी तीनों इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो इसका राइट आंसर क्या है? उलुग खान। अच्छा, ये इसके दो सेनापति थे मुख्य, उलुग खान और नुसरत खान, लेकिन जो नुसरत खान है वो इस अभियान में मारा गया था। तो विजय के बाद में ये किसको सौंपेगा? एक ही बचा है, उलुग खान। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो बड़ी फेमस इनकी रचना है, खजाइन उल फुतूह है। 20 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ये भी पहले वीडियो बनाए थे, उस टाइम इसका जिक्र किया था सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर उनका राज चिरण जो है वो धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झाला अज्जा। 22वां क्वेश्चन क्या है, कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, बिदा झाला, राव कृष्णदास चुंडावत और अशोक परमार। तो इसमें देखिए किसने सहयोग किया था, राम सिंह जी हैं, झाला बिदा है, राव कृष्णदास चुंडावत हैं, लेकिन अशोक परमार नहीं है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, 1, 2, 3। उसके बाद में हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो माना राज सिंह इसका राइट आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 24, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजा मंडल से संबंधित थे? तो नैनूराम शर्मा जी का नाम आता है कोटा के लिए। तो 24 का क्या हो जाएगा? फोर्थ, समसभा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर गोविंद गिरी। ये देखिए लगातार चार क्वेश्चन का आंसर जो है वो फोर्थ फोर्थ है। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? राजस्थान केसरी, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे
राइट आंसर होगा इसका थर्ड। 27 का तीसरा हो जाएगा भोगीलाल पांड्या, इनको बागड़ का गांधी भी कहा जाता है। शंकर राय देश समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 3। कौन सा सुमेलित नहीं है, गोगाजी, मलिनाजी, बाबूजी, तेजाजी, और एक तरफ जो है वो इनके स्थान है। आपको ये बताना है कौन सा मैच नहीं खाता। मल्लिनाथ जी हैं, पिचियाक, ये इनसे मैच नहीं है, बाकी तीनों के बिल्कुल सही हैं। संत माव जी का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा डूंगरपुर। कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था, हरबूजी, बाबूजी, झाम्बोजी और गोगाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, झाम्बोजी। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और अभयनेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, गुजर प्रतिहार। गुजर प्रतिहारों के द्वारा बहुत मंदिर बनवाए गए थे। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़ और गागरौन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मांडलगढ़। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे। 34 का है फर्स्ट, आमेर जयपुर शैली से। राजस्थान का प्रसिद्ध बैणेश्वर मेला किस माह में भरता है। राइट आंसर इज माघ माह में, बहुत फेमस है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है, श्रावण मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य होते हैं तो क्या होगा इसका राइट आंसर। केला देवी के मंदिर में, करौली। किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है। 38 का क्या हो जाएगा, राव बुद्ध सिंह। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यह है थर्ड, गौरी नृत्य। और क्या होता है इस गौरी नृत्य में, इसमें शिव और भस्मासुर की जो कथा है वो चलता है इसमें, और 40 दिन तक ये प्रोग्राम होता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, 18 जनवरी 1999 को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसने ये पूछा है कि कब अस्तित्व में आया ये, तो 18 जनवरी 1999। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है। सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की कौन करता है, राज्यपाल करता है, और एक समिति की सिफारिश पर अनुशंसा पर उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, मुख्यमंत्री, सीएम। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर के संबंध में बताना है आपको, वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेक शक्तियां प्राप्त नहीं है। इनमें से कौन से कथन सही हैं, तो आपको 4 में से बताने हैं कौन से सही हैं। इसमें केवल एक ही कथन सही है और वो है सी, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, बाकी जो तीनों हैं वो बिल्कुल गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी, थर्ड होगा इसका। उसके पश्चात हैं, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, 44 नंबर जो है, एक तरफ सचिवालय में रैंक, राज्य सचिवालय में रैंक, और दूसरी तरफ है भूमिका या इनका कार्य क्या है। तो ये एक तरफ ऑफिसर हैं और एक तरफ इनके कार्य के बारे में बताया गया। आपको मिलान करना है किस ऑफिसर का कौन सा कार्य है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सेकंड, 44 का ये सेकंड है। सेकंड से मतलब
ए का सेकंड, शासन सचिव का कार्य होता है नीति निर्माण, बी का फर्स्ट, परियोजना अधिकारी का कार्यक्रम निर्माण क्रियान्वयन, उसके बाद सी का थर्ड, अनुभाग अधिकारी का संपूर्ण पर्यवेक्षण, और उसके बाद डी है सहायक, इसका हो जाएगा नेत्यक लिपि के कार्य। क्वेश्चन नंबर 45, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के जो प्रमुख हैं वो किस नाम से जाने जाते थे? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राज प्रमुख। आप जानते हैं इससे पहले राज प्रमुख कहलाते थे सारे, जो भी राजा महाराजा थे, एक राज प्रमुख को बना था, जो भी राजस्थान का एकीकरण होता है उसमें आता है ये। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। पहला ही सही है इसका। नेक्स्ट है 47, इसमें एक तरफ मुख्यमंत्रियों के नाम है और एक तरफ उनका कार्यकाल है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, जो राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, राजस्थान का संविधान वाला पोर्शन, वो आपको सारा पता होना चाहिए। राज्यपाल के बारे में, किसका कार्यकाल कब से है, सीएम कौन सा किस टाइम रहा है, और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया, बरकुलात्रा खान, बरकतुल्ला खान, भैरू सिंह शेखावत और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट है, ये फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। यानी ए का क्या है? थर्ड। जगन्नाथ पहाड़िया का कब से कब तक है? 80 से 91। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, भैरव सिंह शेखावत 71 से 73। उसके पश्चात बरकतुल्ला खान 77 से 80 और मोहनलाल सुखाड़िया 54 से 57। 48 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिता प्रमुख कौन है? राज्य के राज्यपाल। द डी जूरे हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान। तो जो डी जूरे वर्ड है, डी जूरे, वो यूज होता है राजस्थान के राज्यपाल के लिए। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में और राज्य के प्रधान के रूप में। तो जो चीफ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट का, राजस्थान गवर्नमेंट का, उसका क्या काम है? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है, ए बी सी डी। शुरू के चार सही हैं, राज्य के प्रधान के रूप में नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 है, नाभि के आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर जो है वो थर्ड माना है इन्होंने, ए और बी दोनों सही है इसमें, ए और बी ये दोनों सही है ऑप्शन इसमें। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं उसके बाद लास्ट में आपको बताना है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सेकंड है, बी और डी, यानी बी और डी ये दोनों सही हैं, बाकी गलत हैं। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई जिसमें प्रांत और देशी रियासती इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई। उसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर है 52, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है? 52 का राइट आंसर होगा 48, अनुच्छेद 48। भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर जो है 53 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ये जब विदेश नीति वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले, उस टाइम इस चीज को बार बार मैंने रिपीट किया था, पड़ोस पहले पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पड़ोस पहले, ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है? 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 मद। किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? थर्ड, न्याय आपके द्वार। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु
98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया गया है। निम्न में से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है जो समसामयिक का वाला टॉपिक पढ़ाया था आपको सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले, उसमें ये बताया था इसके बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, रतन बिहारी जी बीकानेर नहीं है, बाकी तीनों हैं। बी से 21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर क्या है? सुमित्रा महाजन। राजस्थान के राज्यसभा के पूर्व सांसद बीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? पंजाब का। 59 है। 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, इनमें से राजस्थान से कौन है? मोहना सिंह। कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? सुरेश सिंह रावत, विश्वनाथ मेघवाल, लादूराम बिश्नोई और डॉक्टर अनंत कुमार। इसका राइट आंसर होगा डी, डॉक्टर अनंत कुमार। राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेस के ओलंपियन और राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम, यह भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, श्री गोपाल सैनी। राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है अपूर्वी चंदेला। अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, राइट आंसर इसका कौन सा होगा? 63 नंबर क्वेश्चन का गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ये देखिए, उस टाइम जो करंट और समसामयिक के वीडियो पढ़ाए थे उसमें इस चीज को मैंने ये भी कहा था कि इसको ध्यान रखिएगा, राजस्थान का पूछेगा तो आपको गुरु वशिष्ठ अवार्ड करना है, भारत का पूछता है तो द्रोणाचार्य होता है, और जब वो राजस्थान का देगा तो ए ऑप्शन में वो द्रोणाचार्य ही देगा। यही लाइनें बोली थी और ये संयोग से ये सेम यही क्वेश्चन जो इसी प्रकार से इसमें आ गया। 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाज प्रशिक्षण का नाम क्या है? 64 का हो जाएगा थर्ड, सागरमल दाहेल। कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ? इसका राइट आंसर फर्स्ट है 196.22 लाख टन। देखिए, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये 1-2-3 ऐसे हमेशा आते हैं, आपको इनमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे जो डाटा हैं वो याद करने लग जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों में कोई चिंता की आवश्यकता नहीं होती। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई है कितनी? 18.86%। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सेकंड, श्वेत क्रांति। 68 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है? तो राइट आंसर इसका फर्स्ट है जोधपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर है? इसका राइट आंसर थर्ड है 5%। अब ये साइकोलॉजी क्वेश्चन शुरू हो गए। 12 वर्षीय सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9। देखिए, अभी जो रीट में आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ाया था, बाल विकास वाले टॉपिक जो हैं सारे, पूरी साइकोलॉजी आपको पढ़ाई थी उसमें, तो 80% सिलेबस उसका और सेकेंड ग्रेड का बिल्कुल सिमिलर है। तो आप देखिएगा कि अगर आपने वो स्टडी की है मेरे साथ बाल विकास की, तो आपके अब कितने क्वेश्चन इसमें सही होते हैं। इसका फार्मूला आपको बताया था मैंने कि जो IQ कैसे निकालते हैं, IQ बराबर में मानसिक आयु, मान लीजिए मानसिक आयु बटे जो उसकी वास्तविक आयु है वो हो जाएगी, और इंटू 100। अब यहाँ इसने क्या दे दिया, बुद्धि लब्धि IQ जो है वो पहले ही दे दी 75 बराबर मानसिक आयु हमें निकालनी है तो x मान लेते हैं बटे वास्तविक आयु 12 वर्ष और इंटू 100। तो जब वो मानसिक आयु पूछता है तो आपको सीधा सा बताया था कि 75 को 12 से इससे गुणा कर लो आपस में बटे 100, तो 75 इंटू 12 बटे 100, तो 25 या 75 और ये 25ों के 100, 4 से ये कटा, 4 × 12 3 × 3 कितना हो गया 9। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा 9। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं? तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसके द्वारा कहा गया है? 72 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, वुडवर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एस आर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ब्रूनर नहीं है। आप जानते हैं जो थारंडाइक, स्किनर और पावलाव सब ने स्टिमुलस और रेस्पॉन्स यानी उद्दीपक जो है और रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया, तो तीनों के बारे में बातें की है। किसी ने उद्दीपक को देख के अनुक्रिया बताया, तो किसी ने अनुक्रिया के आधार पर उद्दीपक को बताया है, लेकिन ब्रूनर है इनका, इनसे कोई लेना देना नहीं, संरचनात्मक सिद्धांत था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, रटंत स्मृति, रोट मेमोरी। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? 75 नंबर क्वेश्चन, निर्देशन। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को और किस नाम से भी जाना जाता है? अल्बर्ट बांडुरा। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। 77 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, यह जो कथन है यह किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 79 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? वुंड के द्वारा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? राइट आंसर इसका फोर्थ है, तार्किकता। तीनों आंसर में लगातार फोर्थ है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? ये पढ़ चुके हैं सब चीजें हम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुडोलकाय। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? टेट। तो आपको बताना है कि प्रासंगिक अंतर्बोध किसके द्वारा दिया गया, तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मॉर्गन और मूर के द्वारा। अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता, ये तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं चैप्टर हमने डिटेल में। टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्मन वेरी सुपीरियर कंटेंट, वेरी सुपीरियर। ये देखिए ये क्या पूछ रहा है यहां पे, वेरी सुपीरियर, राइट आंसर हो जाएगा ए, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि। ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, फोर्थ होगा संवेगात्मक विकास का। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर इसका है स्पीयरमैन। निम्न में से अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है, एटीट्यूड मेजरमेंट जो कि इसकी विधि नहीं है, तो राइट आंसर इसका फोर्थ है इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? इंटरेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, गति करना। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, 89 का हो जाएगा फोर्थ, बाधा निराकरण। निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? इसका हो जाएगा सेकंड, कोशियुस्को। 91 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल होगा इसका राइट आंसर जो है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थानीय पवने हैं, इसका राइट आंसर थर्ड है, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने। 93 है, मलका जल डबरों मध्य किसे अलग करता है? इसका फोर्थ है मलेशिया और सुमात्रा को। कौन सा सुमेलित है, एक तरफ नदी है एक तरफ सहायक नदी है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ होगा हवांगो और मीन, ये विश्व की जो नदियां हैं उनके बारे में पूछा इसने। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है,
इसका राइट आंसर है वो है सेकंड। 8-4 से 37-6 और 68-7 से 97-25। निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? फर्स्ट है अन्नाईमुड़ी। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवने किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? कोरोमंडल तट। डियागो गार्सिया द्वीप जहां स्थित है वह है थर्ड होगा हिंद महासागर। गंगा की सहायक नदी नहीं है। दूसरा मानस। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फर्स्ट होगा चंबल नदी पर। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा आपने, और आपको इसी प्रकार से पूरे वीडियोस ध्यान से देखने हैं, जिसके आधार पर आपको ये आइडिया होगा कि आपको किस दिशा में आगे तैयारी करनी है। डायरेक्ट ये नहीं है कि मार्केट में जो भी मैटर मिला और आपने उठा के उसको पढ़ना शुरू कर दिया। इसलिए मिस गाइडेंस से बचें और प्रॉपर वे में सही तरीके से अपनी तैयारी को सिस्टमेटिक ढंग से करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जल्द ही अपने शुरू करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से जो सिलेबस जो टॉपिक हैं, और सबसे ज़्यादा संभावना अभी सेकेंड ग्रेड के आने की है, फर्स्ट ग्रेड बाद में आएगी। अभी तक तो सूचना जो है वो यही है, बाकी देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।